हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूलिस्ट टिप्स फॉर यू। दोस्तों, कोरोना काल में बाहर निकल ही नहीं पाए और नर्सरी विजिट का मन में बहुत मलाल रहता था। और अब जैसे कि विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आज इधर से निकलना हुआ तो एक छोटी सी नर्सरी की विजिट करनी है। तो आपको भी मैं नर्सरी का विजिट करवाऊँगी, और साथ में आ रहा है क्रिसमस, तो उसके लिए भी कुछ मेरे को गिफ्ट्स ख़रीदने थे। तो पहले नर्सरी की विजिट करके फिर कुछ गिफ्ट्स ख़रीदे जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन से गिफ्ट्स मेरे पास आए हैं और मैंने कौन कौन से गिफ्ट्स ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए नर्सरी के कुछ शानदार और आकर्षक व्यूज़, जो कि बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स इस नर्सरी में हैं। और उसके बाद में मैं करूँगी शॉपिंग, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ नर्सरी की विजिट कीजिएगा। यहाँ पर प्लांट्स को देखकर मन बहुत ही लालायित हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नर्सरी का में आना ही नहीं हुआ। लेकिन चलो पहले एक बार एक नज़र घुमा के देख लेते हैं कि नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स आए हुए हैं। और इतने ब्यूटीफुल से प्लांट्स को देखकर आपका भी मन ज़रूर होता होगा कि एक बार नर्सरी की विजिट की जाए, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग रखने लगे हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ भी मुझे यहाँ नहीं लगी, तो मैं आराम से नर्सरी में घूम सकती हूँ और कुछ प्लांट्स की शॉपिंग कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपके यहाँ भी कोई भी फेस्टिवल आए तो आप गिफ्ट्स में या उपहार स्वरूप कुछ पौधे ही भेंट करें। और आज मैं भी यहाँ से कुछ प्लांटर्स हैंगिंग्स लेके जाने वाली हूँ और मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट करने वाली हूँ। अगर पूरी नर्सरी की विजिट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक छोटू सी विजिट करवाने जा रही हूँ और बिल्कुल जल्दी जल्दी से आपको ये सुंदर सुंदर से प्लांट्स के नज़ारे दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं। ये देखिए एडेनियम्स, काफ़ी ब्यूटीफुल से। और ये नर्सरी है हमारे सीकर शहर की श्यामबाग नर्सरी, जो कि जयपुर रोड पे हैं। तो दोस्तों, समयाभाव के कारण मैं आपको यहाँ का फ्लावरिंग सेक्शन नहीं दिखा पा रही हूँ, और अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने घर, जहाँ पर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ कि मैंने यहाँ से कौन कौन से प्लांट्स ख़रीदे हैं और कौन कौन कैसे कैसे प्लांटर्स ख़रीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जैसे कि क्रिसमस आ रहा है उसी की थीम के अकॉर्डिंग शॉपिंग की है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस ट्री डेकोर करते हैं। तो इसीलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। ये क्रिसमस ट्री आप देख पा रहे हैं, ये अगेन क्रिसमस ट्री है, जो कि मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा है। बहुत ही हेल्दी सा और बहुत सुंदर प्लांट लगा, इसलिए मैं इसके 3 प्लांट खरीद लाई, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 1, 2 और ये तीसरा। और ये मुझे सभी 250 रुपीज़ के पड़े हैं, बहुत हेल्दी से और सुंदर से। अब मेरे सभी फ्रेंड्स इनको डेकोर करेंगे और अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकेंगे। और इनको लगाने के लिए दोस्तों मैं लेकर के आई हूँ प्लांटर्स, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मुझे जो छोटू सा गिफ्ट मिला है, सरप्राइज गिफ्ट, वो भी मैं आपसे अभी के अभी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आप देख लीजिए इन प्लांटर्स को, ये मुझे पड़े हैं 120 रुपीज़ के, 12 इंच के गमले हैं, प्लास्टिक के, मुझे काफ़ी मजबूत से लगे और मेरे ये क्रिसमस ट्री में आराम से चल पाएंगे। और इनमें पीछे की साइड में हम होल कर लेंगे, ड्रेनेज होल। आप भी प्लास्टिक के जब भी पॉट खरीदें उनमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से चल सकें। और इन्हीं के साथ मैंने ली है ये ट्रे इनके नीचे लगाने के लिए, ताकि फर्श अपना गंदा नहीं हो और अपने प्लांट्स काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी इनमें रहें। तो ये जो ट्रे आप देख रहे हैं, ये मुझे पड़ी है 30 रुपीज़ की। इस तरीके से मुझे ये प्लांटर का पूरा स्टैंड जो है
₹150 का पड़ा है और काफ़ी सुंदर सा इसमें ये अपना प्लांट लगेगा। और इसी के साथ मैंने ये एक और चीज़ खरीदी है, ये हैंगिंग बास्केट, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये पड़ी है मुझे ₹80 की। ये भी मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने वाली हूँ। तो दोस्तों आज जो मैंने शॉपिंग की है वो सारी मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए की है। और प्लांट लवर्स प्लांट तो गिफ्ट में देते हैं, साथ में उनके जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी प्लांट से रिलेटेड ही मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अब मेरा एक छोटू सा सरप्राइज़ गिफ्ट जो कि मेरे ब्रदर ने भेजा है। तो देखिए ये है मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट, स्प्रे बोतल जो कि मेरे ब्रदर ने भेजा है और मुझे ये काफ़ी पसंद भी आया है। इससे मैं अपने प्लांट्स पर किसी भी तरह का छिड़काव कर सकती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी नर्सरी विजिट और मेरी छोटी सी शॉपिंग? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।